अगर आपका YouTube पे एक आर्ट चैनल है, आप लोग ड्राइंग पेंटिंग के वीडियोस डालते हो अपने YouTube चैनल पे, या फिर आप लोग सोच रहे हो एक आर्ट चैनल खोलने का अपने YouTube पे, तो आज मैं आप लोग को 5 ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने आर्ट चैनल को बड़े आराम से ग्रो कर सकते हो और बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हो। और बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है आर्ट चैनल पे व्यूज़ नहीं आता, बट मैं आप लोग बता दूं आर्ट चैनल पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। आप लोग जाके देखो, जो बहुत सारे लोग बनाते हैं आर्ट्स की वीडियोस, उनकी वीडियोस पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से अपने आर्ट चैनल को ग्रो करना है, सब्सक्राइबर्स गेन करना है, व्यूज़ गेन करना है, अपने चैनल को ग्रो कैसे करना है, मोनेटाइज कैसे कराना है, ये सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को 5 ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप लोग अपना आर्ट चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोग आज की इस वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग अपने आर्ट चैनल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। अगर आप आर्टिस्ट हो, ड्राइंग पेंटिंग के वीडियोस बनाते हो, क्राफ्ट की वीडियोस बनाते हो, तो आप लोग ग्रो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 के बारे में। जितने भी लोग आर्ट की वीडियोस बनाते हैं, ड्राइंग पेंटिंग के वीडियोस बनाते हैं, वो लोग एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जिससे उनका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। जितने भी हमारे ट्रेंड्स आते हैं, सपोज़ कोई भी अगर हमारा ऐसा ट्रेंड आता है, जैसे कि कोई भी जैसे हमारा ट्रेंड आता है, यूट्यूब पे ट्रेंड आता है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड आता है, तो वो लोग उसका पेंटिंग बनाते हैं या फिर उसके क्राफ्ट बनाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए क्राफ्ट को बनाओगे तो आपका वीडियो वायरल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब कैसे, मैं आप लोग बताता हूँ। कुछ महीने पहले कैरी मिनाठी का यलकार गाना आया था, उस गाने पर बहुत सारे लोग आर्ट वर्क बनाए थे, बहुत सारे क्रिएटर के आर्ट उस टाइम पे वायरल भी हुए थे और बहुत लोगों ने कैरी मिनाठी को मेंशन किया था, कैरी मिनाठी ने कमेंट भी किया था। तो और कोई भी वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंड चलता है तो आप लोग अगर उसका कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हो तो इससे आपके वीडियो वायरल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली बीबी के वंश का ढिंडोरा आया था, तो उसमें जो भुवन बाम के कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे लोगों ने उसको ड्रॉ किया था और उससे भी बहुत सारे लोगों को व्यूज़ गेन हुए थे। अब ये ट्रेंड हमेशा रोज़ तो आता नहीं होता, आप लोग किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। अभी हमारा होली आने वाला है तो आप लोग होली के ऊपर कोई ड्राइंग वगैरह बना के उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जितने भी ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, आप लोग फेस्टिवल को टारगेट कर सकते हो और उसका ड्राइंग वगैरह बना के अपलोड कर सकते हो, इससे भी आपको व्यूज़ काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर आपका चैनल नया नया है तो व्यूज़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे तो आपके व्यूज़ भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं 4th नंबर ट्रिक के बारे में। आर्ट चैनल को ग्रो करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग के स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, बहुत सारे हमारे स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन होता है जिसमें हमें कहा जाता है कि इस चीज़ के ऊपर आपको ड्राइंग बनाना है। अब हमें स्कूल में प्रोजेक्ट किस टाइप के मिलते हैं, मुझे एक बार प्रोजेक्ट मिला था कि हमें हैंकी के ऊपर कोई ड्राइंग करना था फैब्रिक कलर से। तो आप लोग हैंकी के ऊपर ड्राइंग बना के एक ट्यूटोरियल अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे। अगर किसी को भी ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है कि एक हैंकी के ऊपर कोई ड्राइंग बना रहता है तो वो यूट्यूब पे सर्च करेगा, अगर उसको आपका वीडियो ऊपर मिलता है तो आपकी वीडियो उसको देखेगा और उससे सीखेगा और जाके वो उस प्रोजेक्ट को बनाएगा और उसको सबमिट करेगा। इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट को टारगेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट मिलता रहता है। आप लोग के स्कूल टाइम में कैसे कैसे प्रोजेक्ट मिलता था, आप लोग उसको याद कीजिए, उसको एक पेपर पे लिखिए, उसके बाद आप लोग उसके ट्यूटोरियल बना के अपने चैनल पे अपलोड कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे आप लोग व्यूज़ गेन कर सकते हो। आपको स्कूल के प्रोजेक्ट पे वर्क करना है और उसके ट्यूटोरियल बना के अपलोड करना है। और ये ट्रिक नंबर 3 है, इसको यूज़ करके आप लोग बहुत ही जल्दी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। आप लोगों को ये सब डिफिकल्ट ड्राइंग को काफ़ी ईजी तरीके से बताना है। आप लोग ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखा होगा यूट्यूब पे, आप लोग ट्यूटोरियल मिल जाएगा जो कि 1-2 लिखते हैं उसके बाद उसका कोई ड्राइंग वगैरह बना देते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे इजी ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो आप लोगों को कुछ ऐसा ट्यूटोरियल बनाना है कि आप लोग बहुत ही इजीली इस तरीके से ड्राइंग को किस तरीके से बना सकते हो। आप लोग अगर आप लोग ऐसा चीज़ बनाते हो, उसका ट्यूटोरियल अपलोड करते हो तो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं ऐसा चीज़। तो कोई भी हार्ड ड्राइंग बनाने का आप लोग उसका इजी तरीका बता सकते हो, इस चीज़ पर भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अब बात करते हैं 2nd नंबर ट्रिक के बारे में। आप लोग को डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। अगर आपका चैनल नया नया है तो अगर आप लोग उसमें डेली पोस्ट करते हो तो आपके व्यूज़ आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लोग यूट्यूब पे डेली पोस्ट करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, उस पर डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो आपका जो चैनल का रीच है वो बढ़ जाता है डेली पोस्ट करने से। जब आपका चैनल का स्टार्टिंग टाइम रहेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके वीडियोज़ को अपलोड करना है। और अब बात करते हैं 1st नंबर ट्रिक के बारे में। इसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। आपको अपने वीडियो पे वॉइस ऐड करना है, जिस तरीके से मैं अपने वॉइस को ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग अपने वीडियोस पे वॉइस को ऐड करते हो तो लोगों को वीडियो देखना और ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि आप मेरी वॉइस सुनते सुनते इस वीडियो एकदम लास्ट तक आ गए हो। तो अगर आप लोग अपने वीडियो पे वॉइस ऐड करते हो तो इससे आपका ऑडियंस एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सिर्फ वॉइस ऐड करने से नहीं होता, आप लोगों को वॉइस की क्वालिटी को बढ़ाना रहता है। तो वॉइस की क्वालिटी को किस तरीके से बढ़ाएं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी स्पेंड कर सकते हो तो एक बोया का माइक आता है, बोया बाई M1, आप लोग उसको परचेस कर सकते हो, उससे आपकी ऑडियो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हो जाएगी।
और अगर आप लोग अपने बजट को और थोड़ा बढ़ा सकते हो तो मैं जो है मैक यूज़ कर रहा हूँ ये आप लोग को 3000 रुपीज़ में अमेजन में मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ, आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको भी डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग माइक पर खर्चा नहीं करना चाहते हो तो अगर आपके पास कोई नॉर्मल एयरफोन भी होगा अच्छे कंपनी का, अच्छे कंपनी मतलब बोट JBL इस टाइप का अगर आपके पास एयरफोन होगा तो आप लोग उसके माइक से रिकॉर्डिंग कीजिए, काफ़ी अच्छा साउंड उसमें भी आ जाता है। आप लोग डायरेक्टली फ़ोन से रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, एयरफोन लगा कर रिकॉर्डिंग कीजिए, उससे और अच्छा होता है। इस तरीके से आप लोग अपने वॉइस क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। और आपको अपने और आप लोग एक और चीज़ करना है, आपको आसपास का बैकग्राउंड को शांत करना होगा ताकि बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज ना आए, इससे आपकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये मैंने आप लोगों को 5 ट्रिक बताया जिसको यूज़ करके आप लोग अपने आर्ट चैनल को ग्रो कर सकते हो। अब जबकि आप मेरी वीडियो कितनी लास्ट तक देख रहे हो, चलिए मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताता हूँ। आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, आप लोग दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस देख सकते हो, जो लोग ड्राइंग पेंटिंग के वीडियोस बनाते हैं, आर्ट की वीडियो बनाते हैं, आप लोग उनके चैनल पर जाकर सीख सकते हो एंड देन आप लोग उसी चीज़ को अपने चैनल पर बता सकते हो। आप लोग को वीडियो कॉपी नहीं करना है, बाकी आइडिया आप लोग कॉपी जरूर कर सकते हो। आइडिया कॉपी करने पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग किसी की वीडियो देखते हो वो अपने वीडियो में बता रहे हैं कि वो अपने वीडियो में अगर एक सीनरी बनाने को बता रहे हो तो आप लोग सेम सीनरी को अपने वीडियोज में बना सकते हो, लेकिन उसको आपको बनाना होगा। आप लोग उसका वीडियो कॉपी नहीं कर सकते लेकिन उसका आइडिया ज़रूर कॉपी कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब पूरा एकदम एग्जैक्ट कॉपी मत कर देना, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग दूसरे क्रिएटर्स से सीख सकते हो, वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो लोग कर रहे हैं एडिटिंग, ये सब कुछ आप लोग सीख के अपने चैनल पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जिससे वो लोग अपने आर्ट चैनल को ग्रो कर पाएं। और अगर आपको एडिटिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके एडिटिंग सीख सकते हो। एडिटिंग मास्टर प्लेलिस्ट उसका नाम है, आप लोग वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप लोग कंप्लीट एडिटिंग सीख पाओगे। तो इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आने वाले हैं उसमें से जो सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं उसको पिन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ने अभी तक कमेंट नहीं किया तो अभी जाइए और एक कमेंट कर दीजिए, क्या पता आपका ही कमेंट पिन हो जाए। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एडिटिंग सीखना चाहते हो वो भी एकदम प्रोफेशनल वाली, तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है जिसमें आप लोग वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग दोनों सीख सकते हो, वो भी एकदम प्रोफेशनल लेवल की। तो ये जो कोर्स है ये 100% फ्री है और ये कोर्स आपको YouTube पे ही अवेलेबल मिलेगा। बस आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ से आप लोग मेरे एडिटिंग प्लेलिस्ट पे चले जाओगे और वहाँ जाके आप लोग बहुत ही अमेजिंग टाइप का एडिटिंग सीख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग सीखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, वहाँ से आप लोग एकदम कंप्लीट वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग सीख सकते हो। और मैं अपने इस कोर्स को अपने प्लेलिस्ट को रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ जिससे आपको नए नए वीडियोस एंड फोटोज के ट्रिक्स मिलते रहेंगे, जिसको मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ। तो आप लोग एक बार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और साइड में आप लोग को 2 वीडियोस दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है और मैं आप लोग को वहाँ पर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।